नमस्कार, टीवी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 1971 में दुनिया के नक्शे पर आने वाले बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव है। 350 सदस्यों वाली संसद में से 300 वोटिंग से चुने जाते हैं। बाकी की 50 सीटें उन महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं जिन्हें सत्तारूढ़ दल या गठबंधन द्वारा चुना जाता है। भारत और अन्य कई मुल्कों की तरह बांग्लादेश में भी प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है जबकि राष्ट्रपति देश का है। फिलहाल बांग्लादेश सरकार के प्रमुख शेख हसीना है। बता दें, अवामी लीग की ये दिग्गज नेता 2009 से सत्ता पर काबिज है। शेख हसीना जब पीएम की कुर्सी पर बैठी थी तब बांग्लादेश 38 साल का था और अब यह 50 साल से ज्यादा का हो चुका है। शेख हसीना 14 साल से सत्ता में है। जाहिर तौर पर इतने वर्षों में बांग्लादेश की पहचान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बड़ी ही होगी। हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश कहां पहुंचा है, चलिए जानते हैं। बांग्लादेश मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। ये कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक था लेकिन शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने आर्थिक सफलता हासिल की है। यह अब सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई है। विश्व बैंक का अनुमान है कि बांग्लादेश में पिछले 20 वर्षों में 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। देश के फंड लोन का इस्तेमाल करते हुए शेख हसीना की सरकार ने विशाल प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं जिसमें गंगा पर $2.9 बिलियन का पद्दा भी शामिल है। बता दें कि अकेले इस पुल से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में 1.23% की वृद्धि होने की उम्मीद है। नवंबर में यहाँ की मुद्रास्फीति करीब 9.5% थी। अन्य देशों की तरह कोरोना महामारी का असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी देखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका विदेशी मुद्रा भंडार अगस्त 2021 में रिकॉर्ड $48 बिलियन से गिरकर अब लगभग $20 बिलियन हो गया है। वहीं 2016 के बाद से इसका विदेशी कर्ज भी 2 गुना हो गया है।